तो आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है उसकी रोज को आप कॉलम्स में बदल दें और कॉलम्स को रो में बदल दें, या इन अदर वर्ड्स आप उसका ट्रांसपोज ले लें, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है। ऑब्वियसली अगर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो अगर आप कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का, तो इसकी वैल्यू आपकी -1 है। अब मैंने इस डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदला, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदला, तो अभी भी जो इसका ट्रांसपोज है वो -1 ही है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल हुआ। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, इसमें मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो द वैल्यू इज -10। अब मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मैं रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। अब देखिए डबल साइडेड एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, R1 इज रिप्लेसिंग R2 या R1 इज इंटरचेंजिंग विद R2। ये जो R2 है वो R1 की जगह चली गई और जो R1 है वो R2 की जगह पे आ गई। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालें दैट कम्स आउट 10, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो गया, ये -10 था पहले, अभी ये 10 हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें सेकंड रो के सभी एलिमेंट 0 हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। मैंने रो 1 से एक्सपेंड किया, 1 के साथ आपका 0 0 3 1 आ जाएगा, फिर -2, तो 0 -2 और 0 1, एंड देन 3 3 के साथ आप 3 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 0 0 -2 3। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी को एक्सपेंड करने पर यू विल गेट अ 0। तो अगर एक रो के सभी एलिमेंट या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, कोई भी दो रो बिल्कुल एक जैसी हो या फिर उनका रेशो सेम हो, प्रोपोर्शन में हो उनके एलिमेंट्स, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो को सेम रेशो में लिया है, 1:2, 2 और 4 का 1:2, 3 और 6 इनका भी रेशो 1:2 है। द R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैंने एक्सपेंड किया इसको रो 1 के अलॉन्ग, 1 × -1 5 4 6 − 2 × तो इसको सिंप्लीफाई करने पर यू ऑब्जर्व दैट इसकी वैल्यू भी 0 आती है। अगर आप 1 2 3 है यहाँ पर भी 1 2 3 ले लेंगे, दोनों आइडेंटिकल ले लेंगे, या फिर ये कॉलम जैसे मैंने 1 0 2 लिया, इस कॉलम को भी 1 0 2 ले लेंगे, कोई भी दो कॉलम या कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी तो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यू विल गेट अ 0। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अगर किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक डिटर्मिनेंट ए लिया मैंने और इस डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -19। अब मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट कॉलम को एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 2 3 था, इट बिकम्स 2 4 6। और अब फिर से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी इस कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए और हमें
माइनस 19 टू जा माइनस 38 मिलना चाहिए। तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने पर हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 38 ही मिलती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के एंड एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो के एलिमेंट में ही ऐड करेंगे, और अगर एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम के एलिमेंट में ही ऐड करेंगे। ये नहीं कर सकते कि एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दें, या फिर रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड कर दें। तो अगर दो रोज ले रहे हैं तो दो रोज ही लेंगे, अगर दो कॉलम्स लिए हैं तो दोनों कॉलम्स में ही ऑपरेशन लगेगा। एक एग्जांपल देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मैंने डिटर्मिनेंट लिया है और 2x2 का, और उसकी वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू -2 है। अब मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए हैं। मैंने ऑपरेशन लगाया C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस 2C2। तो कॉलम 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s, और उसको कॉलम 1 में ऐड कर दिया। यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और कॉलम 1 में ऐड कर दिया। C1 को मैंने C1 प्लस 2C2 से रिप्लेस किया। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी -2 आनी चाहिए। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 प्लस 2 8 और ये 10 प्लस 4 14। और जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है तो यू सी दैट इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। पहले भी -2 था एंड नाउ अगेन इट इज़ -2। अभी एक और प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स बाय स्प्लिटिंग अलोंग दैट रो और कॉलम। मतलब अगर एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं उस कॉलम या उस रो के अलोंग स्प्लिट करके। जैसे देखिए, एक डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -23। अब मैंने ये जो सेकंड कॉलम है इसको सम ऑफ टू एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इस 5 को 2 प्लस 3 लिख दिया और -4 को -5 प्लस 1। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट किया जा सकता है और उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ का सम वही रहेगा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू थी। तो मैंने इसको फर्स्ट कॉलम को सेम रखते हुए सेकंड कॉलम के अलोंग स्प्लिट किया, फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकंड कॉलम 2 -5। फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम सेम ही रहा और सेकंड कॉलम, ये सेकंड जो पार्ट था वो आ गया। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को जब मैं एक्सपेंड करके सॉल्व करता हूँ टू गेट -23, दैट वॉज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें डिटर्मिनेंट को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं।